मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून की चाल अब सामान्य हो चुकी है। पहले हमने देखा था कि लगातार मानसून की जो बारिश थी वो डेली एवरेज से ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए जून का महीना जो ख़त्म हुआ था 10% की कमी के साथ ख़त्म हुआ था, लेकिन अब 2% की सरप्लस बारिश हो चुकी है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से 2% ही सरप्लस बना हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि सामान्य से कुछ कम बारिश हुई है, लेकिन क्योंकि वो पॉइंट्स में है इसीलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ी सी कम होंगी, पूरे भारत का मिलाकर के अगर देखा जाए जो भारी से अति भारी बारिश हो रही थी उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो जो कल की जो पिक्चर है शाम की, उसमें हम देखेंगे कि जो बादल बने हुए थे ये क्लाउड टॉप टेम्परेचर है, यानी कि ये आप देखिए पूरा नक्शा है, इसमें ये रेड कलर है और जो वाइट कलर है इसका मतलब है जो क्लाउड का जो टॉप होता है उसका टेम्परेचर वो कितना कम है। जितना ऊंचा क्लाउड होगा उतना ऊंचाई पर, आपको मालूम है जैसे जैसे हम ऊपर चलते हैं तापमान कम होते जाते हैं, तो वैसे ही जितना ज़्यादा इंटेंस क्लाउड होगा उतना ही कम टेम्परेचर होगा। तो आप देखिए ये बना हुआ है, ये जो एक तरह से दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बना हुआ है, दिल्ली के साउथ में भी है, इस तरह से जो इस तरह के बादल बने हुए थे। और यहाँ पर आप देखिए ये जो विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के ऊपर थे कुछ जगह पर, और ये दक्षिण भारत में भी थे और आंतरिक तमिलनाडु में और गोवा के आसपास इस तरह के बादल दिखाई दे रहे थे। और जो रेन जो क्या कहते हैं कि उसका जो औसत है या कितनी बारिश हुई है वो आप देखिए, तो ये 12 तारीख तक का है, 1 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच में जो बारिश हुई है अभी पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अभी 19% की कमी है। सबसे अच्छी बारिश अभी उत्तर पश्चिम भारत में हुई है, 59% की सरप्लस है। और ये सब देखिए सारे लार्ज एक्सेस एक्सेस या ये जो ईस्ट उत्तर प्रदेश है ये भी नॉर्मल पे आ गया है, जो थोड़ा डेफिशिएंट पे था इसमें थोड़ी सी बारिश बढ़ी है। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है और जो साउथ इंडिया है वो 23% की कमी के साथ है। सबसे ज़्यादा कम बारिश साउथ इंडिया को मिली है, उसके बाद पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत को मिली है। और वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं उनको अगर हम देखें तो और ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर सेंट्रल पाकिस्तान पर, और एक और ट्रफ है जो इसमें दिखाई नहीं गई है, वो क्या है कि मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है, वो इस जगह से इस तरह से आ रही है यहाँ पर, और ये कह सकते हैं कि ट्रफ इन वेस्टर्नलीज कह सकते हैं इसको, तो इस तरह की ट्रफ काफ़ी ऊंचाई पर है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन पहले जो बारिश हुई थी उसके कारण से यहाँ से जो हवाएं थी अरब सागर से वो जा रही थी। और अब आप देखिए कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जो पश्चिमी सिरा है थोड़ा सा साउथ में है और पूर्वी सिरा जो उसका जो नॉर्मल पोजिशन होती है उसके नॉर्थ में है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अब दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया है, जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर था, थोड़ा सा आगे बढ़ा है, और उसी तरह से एक ट्रफ रेखा यहाँ से विदर्भ तक आ रही है। एक ट्रफ है जो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यानी साउथ गुजरात से लेकर के और महाराष्ट्र होते हुए गोवा होते हुए कर्नाटक तक आ रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम है इनके प्रभाव से अब क्या होने वाला है कि अब जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं, लेकिन उत्तराखंड में बारिश अभी भी जारी है। हालांकि जो भारी से अति भारी बारिश हो रही थी उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन अभी भी अगले कम से कम एक सप्ताह तक उत्तराखंड बारिश देखता रहेगा। बीच बीच में वेरिएशन होता रहेगा, कभी मॉडरेट शावर्स होंगे, कभी हैवी स्पेल होगा, आइसोलेटेड हैवी स्पेल होते रहेंगे। तो ये जो वेदर एक्टिविटी इस तरह से होगी। अब ये जो ट्रफ रेखा है आप देखिए कि तराई के आसपास आ गई है, इसीलिए अभी पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में यानी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं है। अखंड वर्षा हो सकती है, बादल वगैरह छा सकते हैं, लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बढ़ेंगी। अब हम कह सकते हैं कि यानी कि ऊपर से लेकर के अगर बात करें जो हरिद्वार से लगे हुए इलाके हैं वहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, सरसावा है, और ये लखीमपुर खेरी है, बहराइच, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उसी तरह से और आगे अगर हम बढ़ते हैं तराई के इलाके में तो गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, प्रयाग, ये अपना महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उसी तरह से प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और रायबरेली वगैरह, सुल्तानपुर, गाजीपुर, मऊ और उसके आसपास के जो इलाके हैं काफ़ी अच्छी बारिश देखने वाले हैं। लखनऊ, कानपुर और उसके आसपास के जो प्रतापगढ़ वगैरह है, शाहजहाँपुर है, ये सारे इलाके भी अच्छी बारिश देखेंगे। और बारिश की गतिविधियाँ अब
जो है वो इस इलाके में, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, ये जो इलाके हैं हाथरस वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, बीच बीच बारिश होगी, बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। और उसी तरह से झांसी वगैरह में भी कोई खास ज़्यादा बारिश नहीं है। और जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़ वगैरह, यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश नहीं है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं जो मध्य प्रदेश के, अगर हम देखेंगे तो उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन और ये जो इलाके हैं देवास, सिवनी, इंदौर, भोपाल, बरवनी, अलीराजपुर और साजापुर, शिवपुरी, इन इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। उसी तरह सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर, कटनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। और बैतूल, होशंगाबाद के साथ साथ जो छिंदवाड़ा है, नरसिंहपुर है, इस इलाके में, मांडला वगैरह में भी तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। ये जो ट्रफ है ये विदर्भ तक आ रही है, तो विदर्भ में जो बारिश की कमी थी काफ़ी दिनों से, वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है। तो विदर्भ में अगले दो तीन दिनों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना है, ज़्यादातर इलाकों में होगी, बुल्दाना से लेकर के वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, अमरोती, ये सारे इलाके, वाशिम, भंडारा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जलगांव, नासिक, मालेगांव में भी थोड़ी सी बढ़ेंगी। और हालांकि इस इलाके में जो बारिश है थोड़ी सी बढ़ेगी, और अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी राजस्थान में लगातार हो रही हैं, कम ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान बारिश की गतिविधियां लगातार कम से कम 4-5 दिनों तक देखेगा, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। सवाई माधोपुर से लेकर के कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। और 17-18 तारीख से एक बार फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हो सकती हैं। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके अभी फिलहाल ज़्यादा बारिश नहीं देखेंगे। उसी तरह सौराष्ट्र, कच्छ में बारिश कम है, लेकिन जो सूरत, वलसाड़, नवसारी, टांग, पंचमहल, ये जो इलाके हैं, महुआ और ये जो उसके आसपास के इलाके, इन इलाकों में अभी दो दिन बारिश है, उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ सौराष्ट्र, कच्छ में भी पहुँच जाएंगी। तो अभी गुजरात में बारिश की कमी नहीं होने वाली है, पूर्वी राजस्थान में बारिश कमी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में के भी ज़्यादातर इलाके लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नहीं है। जो बारिश है वो केवल मध्य प्रदेश और इसके आसपास है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब बिहार के जो उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी, नेपाल में तेज बारिश होगी, और बिहार के ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, और जो उत्तरी जिले हैं वह भारी बारिश होगी। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जैसे कि कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और जो दिनाजपुर वगैरह में भारी बारिश की संभावना है। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन इलाकों में भी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश कई इलाकों में हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की बारिश है। गंगे पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा बारिश नहीं है। अभी हमने देखा कि कोस्टल ओडिशा में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन अभी कोस्टल ओडिशा में बारिश रहेगी और आंतरिक ओडिशा में हल्की बारिश रहेगी। और जो तेलंगाना के कुछ इलाके हैं ये भी अच्छी बारिश देखेंगे, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, इसमें बारिश थोड़ी सी कम होगी। ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं जो जो पश्चिम तट पर है, इस ये थोड़ा सा एक्टिव हो रही है, और यहाँ से अब जो हवाएं हैं काफ़ी तेज़ी से आएंगी। तो थाने, धानु, मुंबई और अलीबाग, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। उसी तरह से बेलगावी, होनावर, कारवार, मैंगलोर, ये सारे इलाके जो कोस्टल कर्नाटक है, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की संभावना है। केरल में भी अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश हो सकती है, और लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। जो तमिलनाडु के आंतरिक इलाके हैं, यानी नीलगिरी हिल्स हैं, वहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश होगी, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में काफ़ी हल्की बारिश होगी, तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ भी काफ़ी हल्की बारिश होगी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी जो बारिश है वो इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा कम है। और उसी तरह से ये जो अभी हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लेकर के ये जो सौराष्ट्र कच्छ है, ये जो इलाका है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अभी फिलहाल कम रहेंगी। और सबसे अच्छी बारिश है उत्तराखंड से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य है, ये पूरे इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। और देश का जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। और ये जो इलाका है मध्य प्रदेश वगैरह पर, मॉडरेट प्लस हैवी रेन यहाँ पर भी हो सकती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी लगातार होने वाली है। और एक और मैंने देखा है कि कई जो ब्लॉगर्स हैं वो वीडियो डाल रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन वगैरह क्या क्या बनेगा। तो अभी क्या है कि बहुत आगे की बात है, 20 तारीख के आसपास यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में हो सकता है कि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाए, या फिर वो और ज़्यादा गहरा करके वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बन जाए। तो उसका जो ट्रैक है, अभी क्या होता है कि अभी निश्चित नहीं है, लेकिन पहले लोग सोचते, पहले इस तरह से जाता था, नॉर्थ वेस्ट में जाता था, लेकिन अब क्या होता है कि जो भी वेदर सिस्टम बनता है वो हाइट के साथ साउथ की तरफ टिल्ट करता है। तो ये जो वेदर सिस्टम होगा वो पूरी प्रोबेबिलिटी ये है कि जो मध्य भारत होकर के गुजरेगा। अभी इतनी जल्दी इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अभी इसके ऊपर हम नज़र रखे रहेंगे और इसके बारे में आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।